Hello everyone. So the question here is distinguish between heterochromatin and euchromatin, which of the two is transcriptionally active. यहाँ पे हमें explain करना है कि euchromatin और heterochromatin के बीच में क्या अंतर है और कौन सा इसमें transcriptionally active होता है. तो जो major difference है euchromatin और heterochromatin में वो यही है. Heterochromatin जो है वो condensed होता है, highly condensed होता है और वो जो फॉर्मली पैक्ड होता है, फॉर्मली पैक्ड फॉर्म में होता है और वो एक इनएक्टिव पार्ट है क्रोमोसोम का. वही जो अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करें तो वो अनकॉइल्ड होता है, अनकॉइल्डली पैक्ड होता है और एक्टिव रीजन है क्रोमेटिन का. ओके, इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. नाउ जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं उनमें दो तरह के रीजन एग्जिबिट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टेनिंग अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. तो जब लाइट माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो डार्कली स्टेन्ड रीजन आता है उसी को हेटरोक्रोमेटिन कहते हैं और जो लाइटली स्टेन्ड रीजन आता है उसे यूक्रोमेटिन कहा जाता है. तो जो मेन फंक्शन है यूक्रोमेटिन का वो यही है, इट इज टू प्रोटेक्ट द डीएनए इन द जीनोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. और अप्रोक्सीमेटली 90% जो है ह्यूमन जीनोम में वो यूक्रोमेटिन है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन. So this was the answer to the following question. Thank you.